खबर देवगढ़ से राजू सिंह रावत की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिक संस्था सीएससी इंडिया की वीएलआई भावना पालीवाल द्वारा देवगढ़ की पंचायतें में डिजिटल वैन के द्वारा पीएम का संदेश सुनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन के मोबाइल ऐप को लॉन्च करते हुए वर्चुअल संवाद किया। संवाद में मोदी ने बताया कि पहाड़ का पानी और जवानी आए काम, सरकार बापू के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बापू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। वर्चुअल में जल जीवन मिशन से जुड़े कई पहलुओं और योजनाओं पर मोदी ने अपने संवाद में जल जीवन मिशन ऐप के बारे में बताया, जिसके जरिए एक अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएंगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई सिस्टम का पूरा विवरण इस ऐप पर मिल जाएगा। वीएलआई भावना पालीवाल द्वारा इस अवसर पर सभी से कहा कि जल समस्त प्राणियों के लिए अमृत से कम नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं कि जल के बिना पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। अभी भी समय है, हम जल संरक्षण करें और जल को प्रदूषित होने से बचाएं।